हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल क्रिकेट पॉड में। तो आज हम बात करेंगे प्रीमियर लीग के मैच के बारे में, जो खेला जाएगा न्यूकास्टल वर्सेस टोटनहम के बीच होने वाले मुकाबले के बारे में। तो जान लेते हैं, जब ये दोनों टीम आपस में खेलते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग स्टेट देखने को मिलते हैं। तो बने रहे वीडियो को पूरे देख, क्योंकि आपके लिए वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लाए जो आपको ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग टीम बनाने में बेहद मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉइंट टेबल पर। टोटनहम यहाँ पर 8th पोजीशन पर है, जिसने 35 मैच खेले हैं अपने, 14 विन किए हैं, 10 ड्रॉ कर चुकी है, 11 लॉस करे हैं, 54 गोल करे हैं, 45 गोल कंसीड कर चुकी है। तो अटैक इसका काफ़ी बेहतरीन है और डिफेंस भी अच्छा है। पिछले 6 मैचों में इसने 7 गोल करे हैं, 5 गोल ही कंसीड कर पाई है। तो कितना दर्शाता है कितना बेहतरीन डिफेंस चल रहा है इस टाइम भी इसका। तो बात कर लेते हैं यहाँ से दूसरी टीम न्यूकास्टल होने वाली, जो न्यूकास्टल का परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार रह सकता है। 13 पोजीशन पर है, इसने अभी 35 मैच खेले हैं, 11 विन करे हैं, 10 ड्रॉ कर चुके हैं, 14 मैच लॉस करे हैं। तो वहीं पर बात करते हैं, इसने 36 गोल करे हैं, 35 मैच में 36 गोल करना, ऑन एन एवरेज एक गोल पर मैच भी नहीं कर पाती, एक गोल। और वहीं पर बात करते हैं यहाँ से 52 गोल कंसीड करे हैं, तो इसका डिफेंस काफ़ी ख़राब चल रहा है। पिछले 5 मैचों में इसने 8 गोल किए हैं और 13 गोल कंसीड कर चुकी है। तो दिखाता है कितना गंदा डिफेंस है इस टीम का। तो बात कर लेते हैं यहाँ से होम टीम के बारे में। होम टीम यहाँ से न्यूकास्टल होने वाली, क्या परफॉर्मेंस रहे न्यूकास्टल का। 17 मैच खेले हैं इसने भी, 6 विन किए हैं, 8 ड्रॉ कर चुकी है, 3 लॉस करे हैं। 17 मैचों में 18 गोल करे हैं, 15 गोल कंसीड करे। तो होम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती है ये, एक गोल पर मैच करती है और एक गोल भी कंसीड नहीं कर पाते। तो डिफेंस का अच्छा काम करता है अपने होम ग्राउंड में। तो बात कर लेते हैं यहाँ से अवे टीम की बात। अवे टीम यहाँ से टोटनहम होने वाली है। टोटनहम अपने अवे में 17 मैच खेली है, 21 गोल करे हैं, 28 गोल कंसीड कर चुके। तो अवे में इसका गंदा रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि ये काफ़ी गोल कंसीड करता है अवे में। तो लेकिन जब लॉकडाउन से बाद में ये काफ़ी बेहतरीन सुधर चुकी है टीम। डिफेंस से काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि बहुत ही कम गोल कंसीड करती है। पिछले इसने 5 मैचों में से 2 में क्लीन चिट रखा है। तो दिखाता है कितना, चाहे अवे हो चाहे होम ग्राउंड में हो, दिखाता है कि डिफेंस और अटैक कितना बेहतरीन है। तो बात कर लेते हैं यहाँ से मैच फैक्ट्स के बारे में। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टू पिछले 4 मैचों में न्यूकास्टल ने 2.5 गोल किए हैं प्रीमियर लीग में। तो बात कर लेते हैं यहाँ से सेकंड पॉइंट के बारे में। न्यूकास्टल ने पिछले 7 मैचों में 2.5 गोल किए हैं अपने होम मैच में टोटनहम के खिलाफ। पॉइंट नंबर थर्ड, न्यूकास्टल अनडिफीटेड है पिछले 6 मैचों में प्रीमियर लीग में। अभी तक अपने पिछले 6 मैच हारे नहीं है प्रीमियर लीग में न्यूकास्टल। तो बात कर लेते हैं यहाँ से फोर्थ पोजिशन पॉइंट के बारे में। न्यूकास्टल ने पिछले 3 मैचों में एटलीस्ट दो गोल पर मैच कंसीड करे हैं प्रीमियर लीग में। तो बात कर लेते हैं यहाँ से न्यूकास्टल के प्लेयर एंड टीम न्यूज के बारे में। यहाँ से इंजरी न्यूज, न्यूकास्टल की सी क्लार्क इंजर्ड है इस मैच में, लॉन्ग स्टेफ इंजर्ड है, इसाक हेडन इंजर्ड है, एडम करोल इंजर्ड है, लेस कैलस ये भी इंजर्ड है, और लेजुइन डाउटफुल हैं इस मैच में। तो बात करते हैं यहाँ से न्यूकास्टल के पिछले 6 मैच, पिछले 5 मैच जिसमें से लॉस करके आए, लॉस वॉन लॉस ड्रॉ। तो देख सकते हैं आप कितना गंदा परफॉर्मेंस चल रहा है इस टाइम इसका करंट टाइम। पिछले 5 मैचों में इसने 8 गोल किए हैं और 13 गोल कंसीड कर चुकी है। तो डिफेंस इसका काफ़ी गंदा चल रहा है होम में और अवे में भी, 8 ही गोल। अटैक काफ़ी बेहतरीन है, पिछले 5 मैचों में 8 गोल करना, तो ऑन एवरेज एक गोल पर मैच कर ही देती है। लेते हैं यहाँ से पिछला मैच जो अपना खेल कर रही है वाटफोर्ड खिलाफ, जिसमें से 2-1 से लॉस करके आ रही है, जिसमें डी गेल ने एक गोल किया और फर्नांडिस एक असिस्ट किया था। अब यहाँ से प्रोबेबल 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है, जिसमें गोलकीपर रहेंगे से दुबरा, वहाँ पर सेंटर बैक खेलेंगे यहाँ से मनकूला, 2 सेंटर बैक खेलेंगे यहाँ से लेसकेस और फर्नांडिस, लेफ्ट बैक खेलेंगे यहाँ से रॉस, और यहाँ से सेंटर मिडफील्ड खेलेंगे यहाँ से सच्चा, और यहाँ से सेंटर मिडफील्ड सेवले और रिट्च खेलेंगे यहाँ से लेफ्ट मिडफील्ड पर। एंटी मैक्सिम अगर खेलते हैं तो काफ़ी बेहतरीन पिक रहेंगे, क्योंकि इस ये भी अपने राइट विंग खेलेंगे और लेफ्ट विंग खेलेंगे, यहाँ से अल्मिरोन अटैकिंग पोजिशन रहती है। वहीं पर सेंटर फॉरवर्ड खेलेंगे यहाँ से गेल। तो बात कर लेते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर बारे में। फर्नांडिस 2 गोल 2 असिस्ट है, हेडर गोल कर दे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका हेडर। तो
तो यहाँ से पासिंग के पॉइंट पे आपके लिए काफ़ी बेहतरीन देंगे, तो आप इसे ज़रूर पिक करके ले चलना अपनी टीम में, क्योंकि अगर टोटनहम भी ज़्यादा गोल नहीं मारेगी तो आपके लिए पासिंग पॉइंट काफ़ी बेहतरीन दे सकते हैं, गोल और असिस्ट करने का चांस है इसका। इम्पोर्टेंट प्लेयर एक ये हैं यहाँ, और सेल्वी, ये 6 गोल 1 असिस्ट, काफ़ी बेहतरीन पासिंग पॉइंट भी देंगे और आपको गोल या असिस्ट करने का चांस भी है इसका। तो बात कर लेते हैं रीच, एक डिफरेंशियल पिक हो सकती है आपके लिए ग्रैंड लीग टीम में, क्योंकि जीएल टीम में आपके लिए डिफरेंशियल पिच रीच है यहाँ से, जो कि पिछला काफ़ी मैच लो शॉट ऑन टारगेट रखे थे, जिसमें से ये को बेहतरीन ही खेला है कुछ मैच, तो इसे आप इसे अनदेखा मत करें, ज़रूर इसे अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई करें। तो यहीं पर बात करें सेंट मैक्सिम, 3 गोल 4 असिस्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, इसे भी ज़रूर पिक करना अपनी टीम में। अलमिरोन और डी गेल, आप चाहे तो डी गेल को मिस कर सकते हो, क्योंकि इसका कुछ करंट फॉर्म काफ़ी ख़राब है, तो आप इसे अलमिरोन को यहाँ से लेकर चलना। तो बात कर ले यहाँ से बेंच प्लेयर बारे में, जो लिंटन 2 गोल 2 असिस्ट अगर खेलते हैं तो ये सेंटर फॉरवर्ड में खेलेंगे, यहाँ से क्लार्क, और यहाँ से किसी का चांस नहीं है क्योंकि डाउटफुल और कुछ प्लेयर इंजोर्ड हैं इस मैच में। तो बात कर लेते हैं यहाँ से पेनल्टी लेंगे यहाँ से रीच, करंट टाइम रीच ले रहे हैं, और बैकअप पेनल्टी लेंगे यहाँ से गेल, फ्री किक लेंगे सेल्वी, और तो देख सकते हो आप रीच कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फ्री किक भी लेते हैं, कॉर्नर्स भी लेते हैं बैकअप में, तो आपके लिए आप का बेहतरीन जीएल टीम में डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे खास दावेदार हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ से टोटनहम के प्लेयर के एंड टीम न्यूज के बारे में, टोटनहम अपने इंजोर्ड हैं जो प्लेयर, उनके बारे में बात करते हैं यहाँ से, फोहित है इंजोर्ड इस मैच में, डीएलई डाउटफुल है, अगर खेलते हैं तो काफ़ी बेहतरीन पिक रहेंगे इस टीम के लिए, और इसका सेंटर फॉरवर्ड में खेलेंगे। और बात कर लेते हैं टी नडुम्बिले, ये डाउटफुल है इस मैच में, डायर सस्पेंडेड है। ओरियर, ये काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं, इसने 1 गोल 5 असिस्ट करें, तो काफ़ी अगर खेलते हैं तो ये भी डाउटफुल है इस मैच में, अगर खेलते हैं तो काफ़ी बेहतरीन पिक रहेंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ से लास्ट मैच के बारे में, टोटनहम अपने पिछले 5 मैच वॉन ड्रॉ, जो कि 0-0 से हुआ था पिछला मैच ये वाट, और यहाँ पे फिर वॉन लॉस वॉन, पिछले 5 मैचों में 7 गोल करें, 5 ही गोल कंसीड करें, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है प्रेजेंट टाइम में। बात कर लें पिछले मैच ये आर्सेनल के खिलाफ खेल कराए थे, जिसमें 2-1 से विन करी थी, जिसमें हैरिसन 1 गोल 1 असिस्ट और अल्डरवेल्ड 1 गोल किया था। तो बात कर लेते हैं यहाँ से प्रोबेबल इलेवन कुछ इस प्रकार हो सकती है इस टीम की, जिसमें गोल कीपर रहेंगे लेलोरिस, सेंटर बैक खेलेंगे ओरियर अगर खेलते हैं तो काफ़ी बेहतरीन पिक रहेंगी, और यहाँ से सॉरी राइट बैक खेलेंगे, सेंटर बैक खेलेंगे यहाँ से संचेसर अल्डरवेल्ड, और यहाँ से लेफ्ट बैक खेलेंगे एंटन डेविस, यहाँ दो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर रहेंगे यहाँ से विंग्स और सिस्को, विंग्स अपनी टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा पासिंग पॉइंट देंगे, आप इसे ज़रूर ट्राई करना क्योंकि डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, ये भी काफ़ी शॉट लेता है, लॉन्ग रेंज से आपके लिए शॉट करके दे सकता है, गोले असिस्ट करने का चांस रखता है ये, सिस्को से बेहतर प्लेयर रहेंगे यहाँ से विंग्स, इसे कम टाइम मिला है तो डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। सेल्सो एक डिफरेंशियल पिक रहेंगे, क्योंकि ग्रैंड लीग समोल लीग टीम अटैकिंग पोजिशन खेलता है और काफ़ी बेहतरीन खेलता है, जब भी खेलता है इम्प्रेसिव खेलता है, टीम के लिए काफ़ी अच्छा भूमिका निभाता है। बात करते हैं लोकस मोरा, 4 गोल 2 असिस्ट है, डिफॉल्ट पिक होने वाले यहाँ से हैरिसन और हैरी केन। तो बात कर लेते हैं यहाँ से बेंच प्लेयर बारे में, बेंच प्लेयर यहाँ से खेलेंगे डीएलई, अगर खेलते हैं तो लोग सेल्सो की जगह डीएलई खेलेंगे, तो आपके लिए डिफरेंशियल पिक होंगे, क्योंकि इसका ड्रीम इलेवन कम ही सिलेक्शन है, क्योंकि पिछले के 2 मैचों से खेला नहीं। बात कर लेते हैं यहाँ से लमेला, अगर खेलते हैं तो शायद डाउट ये प्लेयर सब्स्टिट्यूट में आएगा, और बर्जीविन अगर खेलता है तो मस्ट ट्राई करो अपनी ग्रैंड लीग टीम में, और यहाँ से किसी के खेलने का चांस नहीं है। तो बात कर लेते हैं यहाँ से पेनल्टी रहेंगे हैरी केन, और बैकअप पेनल्टी रहेंगे यहाँ से सन सियोमु सन, सेल्स ऑफ फ्री किक लेंगे और कॉर्नर लेंगे अपनी टीम तरफ से। तो बात कर लेते हैं यहाँ से कुछ हेड टू हेड मुकाबले के बारे में, जब भी हेड टू हेड मुकाबले हुए इन दोनों टीमों के बीच लो स्कोरिंग देखने को मिला है, पिछला मैच टोटनहम 0-1 से हार गई थी न्यूकास्टल के खिलाफ, जिसमें जो लिंटन ने 1 गोल और 800 ने 1 असिस्ट किया था, और फिर दूसरा
हेड टू हेड इसमें जिसमें से टोटनहम 1-0 से न्यूकास्टल हरा दिया था, जिसमें हैरिसन ने एक एक गोल किया, लोरेंटे ने एक असिस्ट किया था। फिर तीसरा हेड टू हेड मैच न्यूकास्टल ने 2-1 से टोटनहम से हार गई थी टीम, जिसमें से जोसेलू एक गोल और रिट्च एक असिस्ट है, अली एक गोल, वार्टुंगन ने एक गोल किया था, डी सेंचेस ने दो असिस्ट किया था इस मैच में। तो बात कर लेते हैं यहाँ से फोर्थ हेड टू हेड मैच के बारे में। फोर्थ हेड टू हेड मैच टोटनहम फिर जीता था न्यूकास्टल, जिसमें लेकिन स्कोरिंग लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, जब भी हो रहे हैं। हैरी केन ने एक गोल किया था और एचसन ने एक असिस्ट किया था। फिफ्थ हेड टू हेड मैच इसमें 2-0 से न्यूकास्टल को हरा दिया था, एंटन डेविस ने एक गोल किया था, अली ने एक गोल, रिक्सन ने दो असिस्ट किया था। तो जिस भाई ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, क्रिकेट पोर्ट के नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर ज्वाइन हुए, ग्रैंड लीग टीम आपके लिए वहीं दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपनी ड्रीम इलेवन टीम बना लेते हैं एक बेहतरीन समोल लीग के लिए। ग्रैंड लीग आपके लिए सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा रही है। पिछले 5 दिन से हमने काफ़ी अच्छे खासी रैंक हासिल किए ग्रैंड लीग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं ड्रीम इलेवन से, बात करी जाए गोलकीपर। गोलकीपर हम यहाँ से पिक करेंगे डबोर कावा, जो का आपके लिए पासिंग का पॉइंट और आपके लिए गोल सेव करने के ज़्यादा चांस रहेंगे। और बात कर लेते हैं यहाँ से, अगर वॉरियर खेलते हैं तो काफ़ी बेहतरीन पिक रहेंगे, क्योंकि पासिंग का पॉइंट और लॉन्ग शॉट ऑन टारगेट पर रखते हैं गोल कभी कभी। और यहाँ से ब्रेंडन डेविस और वॉरियर, तो और आप यहाँ से क्लीन चिट के लिए जा सकते हो अल्डर विरर्ड, और आप यहाँ से पिक करते हैं जे लेस कैलस, जो कि आपके लिए पासिंग के सबसे ज़्यादा पॉइंट अपनी टीम तरफ से यही देंगे। तो बात कर लेते हैं मिडफील्डिंग में सेलेक्ट करेंगे एंटम मैक्सिम, जेसेवली यहाँ से 6 गोल 1 असिस्ट है, अलमिरोन अपनी टीम के लिए सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं, जो 4 गोल 2 असिस्ट कर चुके हैं और पासिंग के पॉइंट भी दे सकते हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ से रिट्च आपके लिए डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, आप इसे चाहते हो अपनी टीम में ज़रूर पिक करना ग्रैंड लीग समॉल टीम। तो फिलहाल के लिए मैं इसे अपने टीम के लिए अवॉइड कर रहा हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो चलते हैं सेंटर फॉरवर्ड में, जहाँ से पिक करेंगे हम यहाँ से टोटनहम का हैरी केन, और यहाँ से एच सन को पिक करेंगे। सॉरी गाइस, चलते हैं पीछे, जे सेवली 73% सिलेक्शन है इसका, तो आप इसे ग्रैंड लीग टीम में बिल्कुल अवॉइड कर देना, क्योंकि परसेंटेज नहीं दिखाता। एंटम मैक्सिम इससे बेहतरीन प्लेयर है, पिछले कुछ मैचों से खेला नहीं लेकिन काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है, इंप्रेसिव प्लेयर है, तो आप इसे अपनी जीत टीम में ज़रूर पिक करके चलना। मैं इसके लिए अभी को इसको अवॉइड करके चलता हूँ टीम से, तो यहाँ से पिक करूँगा मैं यहाँ से पहले यहाँ से पिक करेंगे हैरिसन, और यहाँ से पिक करेंगे हम बर्जविन, अगर खेलते हैं तो काफ़ी बेहतरीन प्लेयर रहेंगे, क्योंकि इसका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी काफ़ी बेहतरीन है इससे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन बात करते हैं, कैप्टन बनाएंगे हम यहाँ से हैरिसन, वाइस कैप्टन बनाएंगे यहाँ से हम एंटम मैक्सिम, जो कि आपके लिए गोल करके दे सकते हैं इस मैच में। तो मेरी प्रेडिक्शन इसमें 2-1 की होने वाली है, तो आप अपने हिसाब से टीम बना के चलना। तो फाइनल प्रीव्यू इस प्रकार दिखाई देता, तो आप फाइनल प्रीव्यू और हमारे फाइनल टीम के लिए और लाइनअप के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन होना, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम वहीं पर दी जाएगी। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक ब्रो।